UFC 305 की जितनी भी प्रमोशनल वीडियो शूट की गई थी या जितना भी इजराइल अडेसानिया ने प्रमोट किया था UFC 305 को और जितने भी प्रोमो काटे थे, उन सब में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने फ्रेंड फ्रांसिस एनगानू का जिक्र कर रखा था। यानी अफ्रीका के तीन किंग थे, अब एक भी किंग नहीं है। तो उन तीन किंग के बारे में जब वो बात करते थे तो उनमें से एक थे फ्रांसिस एनगानू। लेकिन डेना वाइट का और फ्रांसिस एनगानू का झगड़ा जग जाहिर है। फ्रांसिस एनगानू ने UFC की हैवीवेट डिवीजन की बेल्ट जीतने के बाद, UFC का हैवीवेट चैंपियन बनने के बाद UFC को छोड़ दिया था और डेना वाइट के लाख मनाने के बाद, समझाने के बाद भी वो UFC में नहीं आए। तो डेना वाइट ने एक तरीके से फ्रांसिस एनगानू का नाम सुनना भी बंद कर दिया है। आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ने हैं। देखिए, फ्रांसिस एनगानू का नाम जब भी कहीं पर आता है तो डेना वाइट एकदम से बोल देते हैं कि इस नाम को एडिट करो, मेरे किसी भी प्रमोशन में, मेरे UFC के किसी भी इवेंट में किसी के मुंह पे ये फ्रांसिस एनगानू का नाम नहीं आना चाहिए। इजराइल अडेसानिया ने प्रमोशन करते वक्त अपनी फाइट का बहुत सारी जगह इजराइल अडेसानिया का नाम लिया था, जो कि कंटेंट अपलोड होना था सोशल मीडियाज पर, क्योंकि UFC क्या करती है, अपने जो फाइटर्स हैं फाइट कार्ड को प्रमोट करने के लिए उनकी वीडियो चलवाती है, उनके प्रोमो कटवाती है ताकि फाइट की हाइप बनाई जा सके। तो इसी के चलते फ्रांसिस एनगानू का नाम जहां जहां पर इजराइल अडेसानिया ने लिया था UFC 305 का प्रमोशन करते वक्त, उनका नाम काट दिया गया। तो रिपोर्टर्स ने मीडिया इंटरेक्शन करते हुए डेना वाइट से पूछा कि यार एक बात बताओ कि इजराइल अडेसानिया की सारी प्रमोशनल वीडियोस में से फ्रांसिस एनगानू का नाम किसने कटवाया है। तो सारा ब्लेम डेना वाइट ने अपने सिर ले लिया, बोला कि मेरी UFC की टीम वो सब कुछ करती है जो मैं उन्हें करने के लिए कहता हूं। मैंने कहा था कि फ्रांसिस एनगानू का नाम कटवाओ, मैंने कहा था हर जगह ऐसे नाम इरेज करवाओ, और ये मेरा ही डिसीजन था और ये बिल्कुल सही डिसीजन था। बेशक इजराइल अडेसानिया दोस्त है फ्रांसिस एनगानू का, लेकिन आई डोंट वॉन्ट हिज नेम इवन इन द टॉक्स ऑफ माई UFC फाइटर्स, यानी कि अपने UFC फाइटर्स की बातचीत में भी मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता। तो एक तरीके से फ्रांसिस एनगानू को UFC ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो एक तरफ तो दोस्ती निभा रहे थे इजराइल अडेसानिया, लेकिन दूसरी तरफ उनके दोस्त को डेना वाइट ने ठिकाने लगा दिया है एक तरीके से। तो फ्रांसिस एनगानू के फ्यूचर में UFC के अंदर आने के चांसेस भी अब काफी स्लिम दिख रहे हैं इस इंसिडेंट के बाद। तो अब देखना होगा कि फ्रांसिस एनगानू जो है डेना वाइट को आगे कभी फ्यूचर में मना पाते हैं या नहीं, या कभी आगे ऐसा सिनेरियो बनता है या नहीं कि फ्रांसिस एनगानू रिटर्न करे UFC में। तो आज की इस वीडियो में यही था कि फ्रांसिस एनगानू का नाम तक मिटवा दिया है UFC के डेना वाइट ने अपनी प्रमोशनल वीडियो से। टेक केयर, ख्याल रखें।